जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनी चांदनी प्लांट के बारे में। आपको किस तरीके से इस पौधे को ख़रीदना है, क्या पहचान होनी चाहिए एक स्वस्थ पौधे की, उसकी केयर कैसे करनी है, किस तरीके से उसको लगाना है, एक मोटी मोटी जानकारी दूंगी। ओवरऑल केयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि फर्टिलाइज़र भी आएगा, सनलाइट रिक्वायरमेंट आएगी, वाटरिंग आएगी, और कैसे आपको उसको फर्टिलाइज़र किस समय देना है, पेस्ट अटैक क्या होता है उसके ऊपर, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट होती है, कौन से समय में होती है, तो पूरे साल भर में ये पौधा किस तरीके से आपको उगाना है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। फ्रेंड्स, एक बेनिफिट और है कि इस पौधे को आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं, और मॉनसून सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न होता है इसको प्रोपगेट करने का, तो वो अभी आपको वीडियो में भी बताऊँगी कि प्रोपगेशन किस तरीके से किस समय आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पौधे को आप जब नर्सरी से लेके आए या कहीं से भी लेके आए, तो इसके जो मॉनसून सीज़न में है वो ब्रांचेज में रूट्स निकलती है, तभी आप इसकी कटिंग करके लगा लीजिए, वो समय सही होता है कटिंग लगाने का। और नर्सरी से जब लेके आए तो उसकी स्टेम्स को ज़रूर चेक करें कि वो स्टेम थिक होनी चाहिए और उसकी जो रूट बॉल है उसमें मजबूती से जमी हुई होनी चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा सा हिला के देखेंगे उसकी स्टेम को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मिट्टी में जमी हुई है या नहीं जमी हुई है, क्योंकि मिट्टी में लगे हुए आते हैं पौधे नर्सरीज पर, तो ये पहचान होती है एक स्वस्थ पौधे की। ऊपर से ग्रोथ भी न्यू आनी चाहिए, अगर नई ग्रोथ आ रही है उस पौधे में तो आप वो ख़रीद सकते हैं। खरीद के ला के 2 दिन के लिए आपको अपने गार्डन में उस पौधे को फ्रेंडली होने के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको तुरंत उसको किसी भी गमले में निकाल के नहीं लगाना चाहिए, पॉली बैग में निकाल के गमले में नहीं लगाना चाहिए, उससे पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें जो है रूट्स निकल रही हैं, तो आप इस पौधे में एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। जब इसकी ब्रांचेज में मानसून सीज़न में रूट्स निकलती हैं, छोटी छोटी बहुत छोटी रूट्स निकलती हैं, तो ये इससे पता चलता है कि पौधे को आप प्रोपगेट कर सकते हैं इस समय। पूरे साल में सिर्फ मानसून सीज़न ही एक ऐसा मानसून सीज़न है जो मतलब ऐसा सीज़न है जिसे आप प्रोपगेट कर सकते हैं इस पौधे को। और इसमें देखिए छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर इधर भी निकली हुई है, तो इस समय आप एयर लेयरिंग के द्वारा या फिर कटिंग के द्वारा इसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको पॉट साइज़ की बात करें कि कौन से पॉट साइज़ में लगाना चाहिए, तो मैंने तो 12 इंच के गमले में लगाया है ताकि आराम से बढ़ सके, बड़ा हो सके और मुझे बार बार पॉट ना बदलना पड़े। आप इसे 8 इंच के गमले से लेके 12 इंच के गमले में किसी भी गमले में लगा सकते हैं इसके बीच में। और आप सॉइल मिक्स की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सॉइल मिक्स होना चाहिए गार्डन सॉइल, जो कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे किचन कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो और कंस्ट्रक्शन सैंड, ये तीनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, ग्राउंड में लगा रहे हैं, तो सिर्फ खाद डालिए, गड्ढा खोदिए, खाद डालिए और पौधे को लगा दीजिए। अगर थोड़ा सा फंगिसाइड भी आप मिला लेंगे ना, तो पौधे की जड़ों में फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं। फ्रेंड्स, इस पौधे को लगाने के बाद कम से कम 1 महीने आपको कोई किसी भी तरीके की खाद नहीं देनी है। अगर फूल आ रहे हैं लगातार तो कुछ भी खाद नहीं देना है, लेकिन अगर फूल बंद हो गए हैं आना, तो फिर आप इसमें कोई सी भी कंपोस्ट दे सकते हैं जो कि फॉस्फेट और फॉस्फरस से युक्त तो खाद हो, यानी कि उसमें पौधे के फूलों को बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है कंपोस्ट में अगर हम वो मिला देते हैं। तो जैसे रॉक फॉस्फेट मिला दिया या DAP मिला दिया, तो उससे इनकी जो गुणवत्ता है कंपोस्ट की वो बढ़ जाती है, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल अपने पौधे पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेस्ट अटैक की अगर हम बात करें, तो पेस्ट अटैक जो है वो इस पौधे पर कम होता है, लेकिन जब दिसंबर जनवरी और मई और जून, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी इन महीनों में होती है, सबसे ज़्यादा सर्दियाँ इन्हीं महीनों में होती है, तो इन 4 महीनों को छोड़ के आप इससे उम्मीद मत कीजिए, इन 4 महीनों को छोड़ दीजिएगा, उम्मीद मत कीजिएगा कि ये आपको फ्लावरिंग देंगे, यानी कि इनमें ये थोड़े से डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, अपनी पत्तियों को पीला कर लेंगे, पत्तियाँ झड़ा लेंगे, ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा बारिशें होती हैं उतने ज़्यादा ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं। जैसे अभी मानसून सीज़न है तो सबसे बेस्ट सीज़न है, ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के बारे में बता दूं मैं कि इसको आप कंटिन्यूटी में कैसे दे सकते हैं, तो महीने में एक बार DAP दीजिए, बाकी आप 15 दिन में 10 दिन में कंपोस्ट इसमें थोड़ी थोड़ी डालते रहिए एक मुट्ठी, तो ये पौधा आराम से ग्रो होता रहेगा, इसमें फूल लगातार आते रहेंगे। इससे अलग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसे फुल सनलाइट में ही रखिएगा, जहाँ पर कम से कम 4 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा
5 या 6 घंटे की धूप आती हो। 6 घंटे की धूप अगर इस पौधे पर आ रही है तो ये फूलों से भरा रहेगा। जैसे कि मेरे पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, वैसे ही आपके पौधे में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा है, आप इसके फूल भगवान को चढ़ाइए, आप इसके फूलों से डेकोरेशन कीजिए। अभी त्यौहार आने वाले हैं तो ये पौधा ज़रूर लाके लगाइए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है और बहुत ज़्यादा ये पौधा जो है आपको फूल देगा और आपके जो गार्डन की है वो भी शोभा बढ़ाएगा। अगर 2-4 पौधे अगर आपके पास हो गए तो ये बहुत भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। इसकी कटिंग लगाने का ये सही समय है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही इसमें रूट्स निकलने लगे आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। सर्दियों में और गर्मियों में इसकी कटिंग ग्रो नहीं होगी, मानसून सीज़न बेस्ट है इसकी कटिंग को लगाने का। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।